तरीकों से मसल डिसफंक्शन कर सकता है। एक तो ये कि मसल हैज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द बोन, सो जिस तरीके से मसल एक्ट करेगा, क्योंकि टेंडन्स उसके जो हैं वो बोन में इन्वॉल्व हैं, तो वो उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ रहे होंगे। दूसरा जो है वो उसके सॉफ्ट टिश्यू मैट्रिक्स, सॉफ्ट टिश्यू मैट्रिक्स में कैसे कि वो बोन के बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में है, तो जो बोन के बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में होने की वजह से, बोन के बिल्कुल सराउंडिंग एरिया के होने की वजह से उसके ऊपर उसके क्या कहते हैं फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी के उसके इफेक्ट आ रहे होंगे। उसमें दोस्त ने एग्जांपल दी थी, जैसे टॉर्टिकोलिस की एग्जांपल थी। टॉर्टिकोलिस में क्या था कि एक स्टेरिक्लेटेड मसल के एक्टिव होने की वजह से उसका हेड जो है वो एक तरफ टिल्ट हुआ हुआ था, और उसकी वजह से माइल्ड से फेशियल एसिमेट्री आ गई थी। और या दूसरी उसने एग्जाम्पल दी थी कि मैसेटाइल मसल की जो है वो एक्टिविटी ज्यादा या कम होने की वजह से एंगल ऑफ द मैंडिबल के एरिया पे उसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा या कम हो जाएगी उस मसल्स की। कमिंग टू द मोर स्पेसिफिक के जो डिस्टरबेंस हो रही होती है अर्ली एडोलेसेंस में, वो बता फिर पहला उसका एक नाम था कंडाइल हाइपरप्लेजिया। कंडाइल हाइपरप्लेजिया का नाम अब चेंज होकर हेमी मैंडिबल हाइपरट्रॉफी हो चुका है, क्योंकि पूरी हाफ साइड ऑफ द मैंडिबल इज इन्वॉल्व। मोस्टली ये होता है 15 से 20 साल के बच्चों में, बट द एज रेंज वेरीज फ्रॉम 10 to 30 years, बट मोस्ट कॉमनली दिस इज फाउंड इन 10, 15 to 20 years ऑफ द केस में। इसमें क्या होगा कि हाफ साइड ऑफ द फेस जो है वो ज्यादा ग्रो कर चुका होगा। वन ऑफ द अदर रीजन फॉर द एटियोलॉजी ऑफ द स्केलेटल प्रॉब्लम इज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली इज ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड द ग्रोथ हार्मोन इज एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से। देर इज अ पॉसिबिलिटी बट नॉट ऑलवेज। सी दिस इज नॉट ऑलवेज के क्लास 3 मैलोक्लोजी या मैंडिबल जो है वो ज्यादा ग्रो करना शुरू कर जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो फिर आ जाते हैं कि डिस्टर्बेंसेज ऑफ द डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, के कैसे कैसे डिफरेंट हेलो कैन यू हेयर मी? जी सर, आ रही है मुझे आपकी आवाज़। ओके, द डिस्टर्बेंसेज ऑफ द डेंटल डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो मेलाक्लूजन क्रिएट क्या कॉज कर सकते हैं। वन ऑफ द कॉमन रीजन इज मिसिंग टूथ। मिसिंग टूथ को ना उन्होंने 3 तरीके से कैटेगराइज किया है। वन कंडीशन इज देर इज सो मच एक्सट्रीम सिचुएशन के दिस दैट्स कॉल्ड एनोडोंशिया। एनोडोंशिया मीन्स देर इज अ टोटल एबसेंस ऑफ द टीथ। मतलब कि माहिन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एनोडोंशिया मींस कि एक भी दांत नहीं होगा। गॉट इट? जी एनोडोंशिया का मतलब है कि एक भी दांत नहीं होगा। और ओलिगोडोंशिया का मतलब क्या है कि मेनी टीथ आर मिसिंग। इस बुक में तो लिखा, लेकिन बाकी द अदर बुक सेज कि इफ देयर इज मोर देन 6 टीथ आर मिसिंग दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओलिगोडोंशिया, एंड इफ देयर इज फ्यू टीथ आर मिसिंग बट द नंबर ऑफ मिसिंग टीथ आर लेस देन 6 देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोडोंशिया, जी ठीक है। ये आपको शायद ओरल पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने, सर, ठीक है। सो व्हाट आई सेड, देयर आर 3 कंडीशंस। हाइपोडोंशिया के 1 से लेकर 6 तक दांत मिसिंग है, बट इसकी डेफिनेशन में एक आता है अदर देन थर्ड मोलर, यानी कि जो मिसिंग टूथ है वो लोअर 5 हो सकता है, अपर लेटरल हो सकता है, सेंट्रल हो, कोई और टीथ हो, बट अदर देन थर्ड मोलर इस डेफिनेशन में आता है कि 6 टीथ तक मिसिंग है तो हाइपोडोंशिया कहलाता है, और अगर 6 से ज्यादा टीथ मिसिंग है तो दैट इज कॉल्ड ओलिगोडोंशिया। और एनोडोंशिया इज अ कंडीशन इन विच ऑल ऑफ द टीथ आर मिसिंग। मोस्टली ये एक एनोडोंशिया और ओलिगोडोंशिया जो है बहुत रेयर है, बट हाइपोडोंशिया इज प्रीटी नॉर्मल, जिसमें थर्ड जिसमें के लोअर 5 मिसिंग होता है, लैटरल साइजर मिसिंग होता है। लैटरल साइजर की प्रेवलेंस जो है वो अराउंड 2% तक है, और लोअर 5 जो मिसिंग है वो अराउंड 3% ऑफ द पेशेंट्स में हमारे लोअर 5 मिसिंग होते हैं। तो इट्स प्रीटी नॉर्मल टू हैव हाइपोडोंशियन टीथ। इट्स जी सर, एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट यू विल कॉमनली सी द केसेस। अच्छा माहिन, व्हाट आई वांट कि आप ना एक्टिवली पार्टिसिपेट ऐसे करें, कुछ चीज आपको नहीं समझ आती है, कुछ चीज मैं जल्दी में एक्सप्लेन करता हूँ, आपने मुझे स्टॉप करना है और आपने मुझे ये जी कहना सर, है कि इसको री एक्सप्लेन करें बाकी सर लोग। आपने जी जी सर सर आपने अभी बताया कि एक्रोमेगैली में मिसिंग टीथ होते हैं, तो सर नॉर्मली इसमें स्पेसिंग भी आ सकती है ना जी टीथ बिल्कुल में डेफिनेटली। एक्रोमेगैली में? व्हाट नहीं, एक्रोमेगैली की मैं बात कर रहा था कि उसमें बेटा क्लास 3 होगा। एक्रोमेगैली क्या है कि इट्स अ ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और दे कुड बी सम रिसेप्टर्स इन द कॉन्डाइल एंड इन द मैंडिबल एज वेल, व्हिच वुड लीड टू द एक्सेसिव डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल इन द एडल्टहुड, यानी जी सर, 20s 30s के अंदर जो है वो एकदम से मैंडिबल ग्रो करना शुरू कर देगा। इसकी डायग्नोसिस का बड़ा की फीचर क्या है कि आप उसका लेटरल सेफ करवाएंगे और आप भी देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड या सैलेट
ट्रशीका का जो एरिया है वो बहुत आपको एक्सेसिवली वाइड साइज का मिलेगा आपको, जिसमें केस में स्पेशली हैंड एंड फुट के साइज भी इंक्रीज होंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली इज समथिंग डिफरेंट। अब हम बात कर रहे हैं हाइपोडोंशिया, ओलिगोडोंशिया और एनोडोंशिया की। ये एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के साथ हो सकता है। इसमें क्या है कि देयर इज एन एक्टोडर्मल प्रॉब्लम, और एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि एक्टोडर्मल के जो डेरिवेटिव हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। इफ यू कैन रिकॉल सम डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्टोडर्म्स, तो वो उसमें हेयर्स थे, स्किन थी, जो है नाखून थे, और कुछ कुछ एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ आंख के कुछ आउटर लेयर थी, ओरल म्यूकोजा था, एनामल था। कैन यू रिकॉल द एक्टोडर्म डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म? तो एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, जी कैन यू टेल मी व्हाट इज डिस्प्लेजिया? चलो इसको छोड़ते हैं, ये टॉपिक से जरा सर आउट है, छोड़े इसको, लीव इट, क्योंकि आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं आ रहा। एनीवेज, एक्टोडर्मल प्रॉब्लम होने की वजह से सारे आपको वो फीचर्स मिलेंगे जिसकी जिस जिस जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्टोडर्म थे, यानी कि आपके हेयर्स जो हैं वो आपको बहुत डिस्टर्ब मिलेंगे, लाइट कलर हेयर्स होंगे, थिन होंगे, और उनका कलर जो है वो भी डिस्टर्ब होगा, थिन एंड लाइट कलर हेयर। दूसरा क्या है सही है। कि हमने वैसे थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ है एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, उसमें हमें ये बताया था कि हेयर जो इसमें एब्सेंट होता है, रिडक्शन और एब्सेंट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होता अच्छा, है, और इसमें इनएबिलिटी ना, टू सॉरी बॉल सॉरी, मैं होता आपको ये है। बताऊं कि ना, कि आपके बुक के नॉलेज से तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देयर इज एब्सेंट वाली बात नहीं है। एब्सेंट एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया में ना बेटा, ये कि बहुत ज्यादा रेंज या वेरिएशन आ रही होती है, कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं आ रहा होता। तो मतलब जैसे कि हिड्रोटिक और अनहिड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया का सुना हुआ है आपने, कि जिसमें कि जी स्वेट ग्लैंड इतने ज्यादा मुतासर होते हैं कि वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे होते, और दूसरा वो कंडीशन होता है कि जिसमें स्वेट ग्लैंड थोड़े बहुत काम कर रहे हैं। एनीवेज, टॉपिक से हट के बात है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डिजीज की एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन के बजाय इस रेंज इट हैज गॉट अ रेंज ऑफ प्रेजेंटेशंस, अ रेंज ऑफ फिनोटाइप्स। दैट्स माय पॉइंट, जी सर ठीक है? जी सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि द हेयर्स कुड बी कंप्लीटली एब्सेंट, द स्वेट ग्लैंड कैन बी एब्सोल्युटली एब्सेंट। एंड बेटा महानूर, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लो सो यू कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट। ओके, तो द हेयर कैन बी थिन, लाइट कलर्ड, और ओवर क्लोजर ऑफ द डेंटिशन या एल्वियोलर प्रोसेस आपको क्यों मिल सकते हैं? एनी आइडिया? ओके, इस बिकॉज ऑफ दिस, इफ द टीथ हैज सो मेनी टीथ आर मिसिंग, तो क्या होगा कि जो है वो टीथ मिसिंग होने की वजह से एल्वियोलर प्रोसेस आपका पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होगा। एल्वियोलर प्रोसेस नहीं डेवलप हुआ होगा तो देयर वुड हैव बीन द ओवर ओवर क्लोजर ऑफ द जॉज। गॉट इट? फॉर एग्जांपल, जी सर एनोडोंशिया के केस में आपका कोई टीथ ही डेवलप नहीं हुआ। एनोडोंशिया क्या कंडीशन थी जिसमें कोई दांत नहीं डेवलप हुआ था? एनोडोंशिया में जब कोई टीथ ही डेवलप नहीं हुआ तो वो एल्वियोलर प्रोसेस का हमने डिस्कस किया था फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी में, कि दांत डेवलप होंगे तो उसके साथ वो फंक्शनल प्रोसेस ऑफ द जॉ डेवलप होगा। सो देयर वुड बी कंप्लीटली एब्सेंट ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द टूथ, सो देयर वुड हैव बीन द ओवर क्लोजर ऑफ द जॉज एज वेल। ठीक है, जी सर जी दिस कंडीशन, व्हाट इज दिस कंडीशन माहीन एंड मिनाहिल? कैन यू, मेरे ख्याल से आप भी अनम्यूट हैं। जी सर अच्छा बेटा, ये कंडीशन क्या है? दिस इज एनोडोंशिया, हाइपोडोंशिया और ओलिगोडोंशिया। सर इसमें कंप्लीटली एब्सेंट एंड टीथ सी दिस ओपीजी एंड टेल मी व्हाट इज दिस कंडीशन? इज इट ये हाइपोडोंशिया? ओलिगोडोंशिया, ओलिगोडोंशिया ओलिगोडोंशिया ये मोल्डन ओके, शाबाश, गुड, सेक्स। शाबाश शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, और बाकी आपकी बुक क्या कहती है कि ओलिगोडोंशिया और एनोडोंशिया इज अ रेयर कंडीशन, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के साथ क्या एसोसिएटेड होंगे, जिसमें कि स्पेसिफिक उसके फीचर्स क्या हैं, कि जो जो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म थे वो सारे इम्पेयर्ड होंगे, जैसे स्वेट ग्लैंड डेरिवेटिव था, हेयर्स डेरिवेटिव थे, नाखून होंगे, और जो एम्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि एनामल फॉर्मेशन आपकी उसकी इम्पेयर्ड होगी, तो वो डेंटल ऑर्गन ही नहीं बनेगा। एनीवेज, वो साइड का टॉपिक है। अच्छा, इसकी जो है वो दूसरा ये कि ये रेयर है, हाइपोडोंशिया इज प्रीटी कॉमन, और मल्टी फैक्टोरियल मॉडल्स ऑफ द इटियोलॉजी है। और अच्छा, इसमें एक ये रूल है कि जो भी मिसिंग टूथ होगा ना वो किसी भी सीरीज का लास्ट टूथ होगा। गॉट इट? लास्ट टूथ होगा क्या ठीक है मतलब है सर कि जैसे कि अगर
लेट्स से कि वी हैव अ थ्री सीरीज ऑफ टूथ, वन सीरीज इज द इंसाइजर्स, तो इंसाइजर्स में लास्ट टूथ सीरीज का कौन सा लेटरल इंसाइजर, तो जो मिसिंग टूथ होने के ज्यादा चांसेस है वो लेटरल इंसाइजर के होंगे एज कम्पेयर टू द सेंट्रल। अगर मोलर्स की सीरीज है तो जी हमारे पास सीरीज में मोलर तीन है, फर्स्ट थर्ड मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर, तो सबसे ज्यादा कॉमनली टूथ कौन सा मिसिंग होता है, थर्ड मोलर, मोलर, ठीक है। थर्ड मोलर। और अगर प्री मोलर्स की सीरीज है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कौन सा टूथ सबसे ज्यादा मिसिंग होगा, सेकंड प्री मोलर, सेकंड प्री मोलर, जस्ट बिकॉज सेकंड ऑफ प्री दिस के, मोलर। हाँ जी, इंसाइजर्स में आए तो लेटरल इंसाइजर, प्री मोलर में आए तो सेकंड प्री मोलर, मोलर में आए तो थर्ड मोलर जो है वो सबसे ज्यादा मिसिंग होगा। केनाइन जो है वो रेयरली एबसेंट होता है, इसकी जो वो है 0.003% उसकी रेशियो है मिसिंग होने के केनाइन की, और सेंट्रल इंसाइजर की 0.08 है, वो भी बहुत कम आपको मिसिंग मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं बेटा कि ये कल मैं ये यही लेक्चर पावर पॉइंट पे दूंगा, तो उसमें आपको ज्यादा पिक्चर दिखा दूंगा, अभी सिर्फ हम बुक के एरिया के हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको टेस्ट हो तो आप यहाँ से भी रिकॉल कर सकें। अच्छा, उसके बाद ठीक क्या है, मसला है बेटा कि मेल फॉर्मेशन या सुपर सुपर न्यूमरी टीथ की वजह से भी आपकी जो है वो मेलक्लोजन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी दिस सुपर न्यूमरी टीथ, वट दिस सुपर न्यूमरी टीथ इज कॉल्ड, माहीन इसको क्या कहते हैं बेटा? सर पेग लेटरल दी बेटा, ये पैग लेटरल कहलाता है कि जिसमें के लेटरल इंसाइजर का साइज जिसलिए लेटरल बहुत कम होता है, जी और दिस एक्स्ट्रा टूथ यू कैन सी हुवर हियर एंड हुवर हियर, तो दिस इज मेजियोडेंट एग्जैक्टली, मेजियोडेंट शाबाश, दिस इज कॉल्ड मेसियोडेंस। सुपर न्यूमरी टूथ में वन ऑफ द वे टू क्लासिफाई द सुपर न्यूमरी टीथ इज अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, इफ देयर इज एनी सुपर न्यूमरी टीथ बिटवीन द सेंट्रल इंसाइजर दिस कॉल्ड मेसियोडेंस। इसी तरह पैरामोलर भी होता है, डिस्ट्रोमोलर भी होता है, वो दिस इज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, कि अगर वो बिल्कुल मोलर्स के डिस्टल है तो डिस्ट्रोमोलर कहलाएंगे, और मोलर्स के बिल्कुल साइड पे है लेटरली या बकली तो वो पैरामोलर कहलाएंगे। तो माय पॉइंट इज दिस कि वन ऑफ द वे टू क्लासिफाई द सुपर न्यूमरी टीथ इज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सुपर न्यूमरी टूथ। सुपर न्यूमरी टूथ क्या करेगा, आपकी मेलोक्लोजन कॉज करेगा, बस दैट्स द पॉइंट, कि वन ऑफ द कॉज ऑफ द मेलोक्लोजन। देखो बेटा, अब कॉमन सेंस आप अप्लाई करें यहाँ पे, मेसियोडेंस होने की वजह से क्या पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी? ओक्लूजन प्रॉपर नहीं होगी सर, शाबाश, और देखो अगर और तो अगर तो एस्थेटिक जी जी बिल्कुल, स्टैटिक प्रॉब्लम हो एस्थेटिक्स हो गया, सकते हैं। शाबाश। देखो, अगर कोई टूथ अरेप्ट ही नहीं किया हुआ और उसके नीचे सुपर न्यूमरी टूथ पड़ा हुआ है, तो सुपर न्यूमरी टूथ उसको अरेप्ट ही नहीं होने देगा, ठीक है, ठीक तो वो मिसिंग टूथ आ रहा है, या देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सुपर न्यूमरी टूथ आपके आगे पड़ा है या एडजेसेंट पड़ा है, तो उसकी वजह से एडजेसेंट टूथ, कैन यू सी माई हैंड्स इन दिस स्मॉल वीडियो, तो उसकी जी वजह से जो सुपर न्यूमरी जो आपका नॉर्मल टूथ है वो डिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह पर अरेप्ट हो रहा है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सुपर न्यूमरी टूथ उसको रिजॉल्व भी कर रहा है, पेरोडोंटल प्रॉब्लम्स भी कर रहा है, मतलब दिस कैन नॉट बी जनरलाइज, बट देर आर डिफरेंट मैनी पॉसिबिलिटीज कि वो सुपर न्यूमरी टूथ उसकी अरप्शन में एक डिफ्लेक्ट पाथ क्रिएट कर सकता है, कोई रिजॉर्प्शन क्रिएट कर सकता है, कोई उसके ऊपर एल्वेलर हाउसिंग से आउट पुश कर सकता है, जिसकी वजह से पेरोडोंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो वो काफी ज्यादा मसले मसाइल कर सकते हैं। द सिंपल पॉइंट इज दिस कि सुपर न्यूमरी टूथ कैन बी अ कॉज ऑफ द मेलक्लोजन, दैट्स इट। अच्छा, ठीक इसके बाद क्या है कि एबनॉर्मेलिटी इन दिस साइज एंड दिस शेप, साइज एंड शेप में कैसे कि एक टूथ अगर साइज में ही छोटा है तो क्या होगा कि उसके एडजेसेंट टीथ उसकी जगह पे आ जाएंगे, या लाइक वेट कि अगर ये अगर आप कर्सर देखें तो ये टूथ साइज में छोटा है, तो साइज में छोटे होने की वजह से मेलोक्लूजन कैसे हो रही है, व्हाट इज मेलोक्लूजन, इट्स अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मेलिटी, कि वो बेस्ट ओक्लूजन नहीं है, इसको हम मेलोक्लूजन कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो डायस्टेमा या स्पेसिंग आ रही है वो किस वजह से आ रही है, कि ये टूथ साइज में इतना छोटा है, जैसे कि अपर लेटरल साइज 6 mm का होना चाहिए, तो वो 6 के बजाय जो है वो 3 या 2.5 mm का है, तो क्या होगा कि सेंट्रल इंसाइजर ड्रिफ्ट करके उस जगह पे आ जाएगा, या केनाइन उस जगह पे आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ या तो इंसाइजर में स्पेसिंग आ रही है, या पोस्टीरियर टीथ के ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो रही है। कैसे ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो रही है, इसका साइज छोटे होने की वजह से, केनाइन अगर आगे आ गया, प्री मोलर आगे आ गए, बाकी टीथ आगे आना शुरू हो गए, तो वो इंटर डिजिटेशन या ऑक्लूजन तो प्रॉपर नहीं रहेंगी ना। अगर आप कंप्लीट डेंचर में, आप कंप्लीट डेंचर का किसी का अगर कोटा हुआ हो, तो उसमें देखेंगे कि जी अगर किसी टूथ को आप साइज में छोटा करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टूथ को, तो क्या होगा कि उसके एडजेसेंट टीथ जो हैं वो आगे आ जाएंगे, ठीक जी है, तो उसके साथ क्या होगा कि बेटा कस्ट टू फोसा रिलेशनशिप तो आप नहीं रख पाएंगे। सर, तो इसकी जी अगर एक मतलब
टूथ का साइज छोटा होता है, तो उसकी वजह से सुपरा इरप्शन होती है दूसरे टूथ की, सुपरा अरप्शन तो होगा कि जब अपोजिंग टूथ के या फिर साइज में कोई मसला हो। देखो ना, सुपरा अरप्शन तब होगा जब अक्लूजल प्लेन के दूसरी तरफ कोई दांत अंडर अरप्टेड है या कुछ उसमें है। तो इसमें यह है कि एडजेसेंट टीथ इंट्रा आर्च जो है वो पीछे या आगे की तरफ आ सकता है। जैसे अगर लैटरल इंसाइजर है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ऐसे करूंगा, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरा अरप्शन, के एक टूथ मोर देन अक्लूजल लेवल से ज्यादा अरप्ट हुआ हुआ, दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सुपरा अरप्शन। माहिन, ये किसने सवाल पूछा जी, था? मैंने से अच्छा, माहिम ओके। तो उसमें आप अपोजिंग टूथ जो है वो तो अरप्ट नहीं ज्यादा हो रहा, क्योंकि वो उसने लॉक किया हुआ है, अक्लूजन ने उसको होल्ड किया हुआ है। व्हाट यू सी ओवर देयर कि उसके एडजेसेंट या पीछे एंटीरियर या पोस्टीरियर टीथ आगे उस जगह इस स्पेस में आ रहे होंगे। ओके, दिस इज प्रीटी नॉर्मल टू हैव दिस एबनॉर्मलिटी इन दिस साइज ऑफ द टूथ, एंड दिस दिस इज अप टू 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जिसमें कि हम कहते हैं टूथ साइज डिस्क्रिपेंसी आ रही है। सिंपल पॉइंट मैंने क्या एस्टेब्लिश किया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी टूथ का साइज या शेप जो है वो एबनॉर्मल हो। उस पर्टिकुलर टूथ के साइज या शेप एबनॉर्मल होने की वजह से उसकी एडजेसेंट टीथ की जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, उनकी जी एडजेसेंट टीथ की जी पोजीशन डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा कि आपकी मैलोक्लूजन राइट मिलेगी। दैट्स इट। ठीक है, ओके। यही हम बात कर रहे थे कि जो प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा टूथ जो है वो क्या है कि अक्लूजल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करेगी, और अलाइनमेंट जो है वो और अक्लूजल रिलेशनशिप प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे, और ये कंडीशन मल्टीपल सुपरनंबरी। कैन यू सी माय कर्सर? महीन, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है? जी आ रहे सर। माउस मेरा, सॉरी। तो इसमें मल्टीपल सुपरनंबरी कॉमनली सीन इन इन अ सिंड्रोम दैट्स कॉल्ड क्लेडोक्लेटल डिस्प्लेसिया, जिसके अंदर क्लेडोक्लेटल डिस्प्लेसिया वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिंड्रोम, कि उसमें आपको मल्टीपल सुपरन्यूमरी टीथ मिलेंगे, दिस आर द डेंटल फीचर्स, और मिसिंग क्लेविकल उसमें मिलेगा, कॉलर बोन उसमें नहीं होगी, और फेलियर ऑफ द सक्सीडेनियस टीथ टू अरप्ट, यानी कि जो परमानेंट टीथ हैं वो अरप्ट नहीं कर रहे होंगे, अनअरप्टेड टीथ होंगे। फिर उसके बाद आती है कि वन ऑफ द कॉज, वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट इटियोलॉजी और causes of the malocclusion, ठीक है? One of the other causes of the malocclusion is the traumatic displacement of the tooth. For example, बेटा आपके पास एक बच्चा आया, उसमें क्या हुआ कि adjacent teeth जो है, उसका जो deciduous teeth है उस पर trauma हुआ, तो trauma होने की वजह से उसके permanent tooth की development impaired हो गई। कैसे impaired हुई? For example, एक central deciduous central incisor या A जो है, A है, A के ऊपर hit हुआ और वो A intrude हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल ये कॉमन सेंस क्या कहती है कि वो उसके नीचे जो सेंट्रल इंसाइजर अरप्ट कर रहा है उसकी अरप्शन को डिस्टर्ब करेगा। सिंपल पॉइंट क्या है कि अगर तो एनामल फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है तो वो एनामल फॉर्मेशन को खराब करेगा और उसके ऊपर एक डॉट या कोई मार्क आ जाएगा उसके परमानेंट टूथ के एनामल के ऊपर। ठीक है, अगर तो एनामल की फॉर्मेशन प्रोसेस में है तो ट्रॉमा टू द डिसीडुअस टीथ विल इम्पैक्ट or disturb the development of the enamel. If enamel formation is complete and the root formation is in the process, jiske chances zyada hain, kyunki beta enamel formation to bahut jaldi complete ho jati hai early usme childhood mein, to enamel formation complete hogi, root formation ho rahi hai. Ab agar trauma hua deciduous teeth mein to wo enamel ko disturb nahi kar sakta. Do you agree with me? Ji sir. आप दो लोग बोल सकते हैं, डू यू एग्री विद मी, कि वो एनामल फॉर्मेशन डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि एनामल फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो गई है, अब तो एनामल पूरा बन गया। तो अब हुआ क्या कि अगर ट्रॉमा हुआ और डिसीडुअस टीथ ने उसको इम्पैक्ट किया, इम्पेयर्ड किया, तो रूट फॉर्मेशन अभी उसकी हो रही थी। तो अब रूट फॉर्मेशन डिस्टर्ब होने की वजह से एक प्रॉब्लम ये आई कि वो दांत हिल गया अपनी जगह से, अपनी जगह से हिलने की वजह से रूट फॉर्मेशन अब जो कंटिन्यूड हुई वो एक और डायरेक्शन या एक और एंगल पे हुई। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड डायलेसरेशन। ये शायद, हाँ, आपने शायद पहले भी पढ़ा हो इसमें। देखो अब, ठीक है, तो अब इसकी एनामल फॉर्मेशन कंप्लीट, क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद इस टूथ के ऊपर ट्रॉमा हुआ बाय द डिसीडुअस टूथ, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट या इम्पेयर्ड या किसी भी एंगल पे आया। अब देखो, ट्रॉमा को एक अगर एक स्पेसिफिक इस एंगल से आएगा तो इंट्रूड होगा, इस एंगल से आएगा तो वो पैलेटली जाएगा, या जिस भी एंगल से आएगा, तो इट डस मैटर कि परमानेंट टूथ किस हद तक इम्पेयर्ड हुआ है, जिसकी वजह से उसकी, फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सिवियरली इम्पैक्ट हुआ है तो डायलेसरेशन बहुत ज्यादा होगी,
और अगर बहुत कम इफेक्ट हुआ है तो मे बी कि डायलोसेशन बहुत ही कम हो। ये कॉमनली आपने एक्सट्रैक्शन करते हुए देखा होगा कि जी रूट टिप हल्की सी टर्न थी, या आप पेरियापिकल एक्सरे पे देख रहे होते हैं कि जी अच्छा ये थोड़ा सा टिल्टेड है या नहीं है, स्पेशली जिनके एंडो में रोटेशन हुई होगी। लेकिन सम एक्सट्रीम वेरिएशन ये है कि जितना आपको इतना ज्यादा बेंड हुआ हुआ है, इसके एक्सट्रीम वेरिएशन में क्या है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो टूथ इतना ज्यादा बेंड हो चुका हुआ हो कि आपको उसकी ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट शायद आप ना कर पाए, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसकी रूट जो है वो बेंड हो चुकी हुई है। और दिस दिस समटाइम पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कॉमन ये होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इंपैक्शन ऑफ द अपर सेंट्रल इंसाइजर इज द ट्रॉमा। तो बचपन में चोट लगी, डिसीडुअस को चोट लगी या एल्वोलर एल्वोलर प्रोसेस को चोट लगी, और वो मोस्टली दांत जो है बिल्कुल इस तरह हुआ होता है। अब अगर सेंट्रल साइजर ही बिल्कुल ऐसे हो गया तो रूट उसकी डेवलप कर रही है जिसको जो पैलेट को फेस कर रही है, तो पैलेट पर टकराने की वजह से या टेढ़ा होने की वजह से उसकी रूट बिल्कुल इस तरह से खराब हो चुकी हुई होती है कि अब उसको सीधा करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। वन ऑफ द ऑप्शन इज कि या तो हम उस दांत को निकाल देते हैं या फिर हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा बहुत जितना सीधा कर सकते हैं और उसके रूट को कट कर देते हैं। अगर किसी को आइडिया हो तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एपिसेक्टमी। जी ठीक है, सेक्टेमी का मतलब क्या होता है? एक्टेमी, एक्टेमी ये जो टर्म है ना, जैसे कि एक्टिम सिंपल इसको रखते हैं कि एपिसेक्टेमी का मतलब क्या होता है, रूट को काट देना, दैट्स इट। आगे चलते हैं कि अच्छा अगर सर, ट्रॉमा, जी, इस तरह हाइपरसिमेंटोसिस किस किस केसेस में होगा? मतलब हाँ ट्रोमेटिक बिल्कुल, में एग्जैक्टली डायलेसेशन भी होते हैं? एग्जैक्टली बेटा, ये ट्रॉमा के केस में वन ऑफ द कॉज ऑफ द हाइपरसिमेंटोसिस इज द ट्रॉमा, हाइपरक्लूजन या प्रीमेच्योर अक्लूजल कॉन्टैक्ट और इन्फ्लेमेशन इन दी पीडियल आर द कॉजेज ऑफ हाइपरसिमेंटोसिस। ठीक है, अच्छा जी तो क्या कहते हैं, इफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द रूट पोजीशन इज सीवियर एनफ दिस इज इम्पॉसिबल फॉर क्राउन टू अज्यूम अ प्रॉपर पोजीशन, दिस माइट रिक्वायर रूट टू एक्सटेंड आउट एल्वियोलर थ्रू द एल्वियोलर प्रोसेस। और इतने सीवियर डायलेसरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमें वो तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह कि अगर तो आपकी ये आपने ट्रामा के मैनेजमेंट में डॉक्टर यासर आपको पढ़ाएंगे कि जो है वो अगर तो बहुत सिवियर डिस्प्लेस्ड कर गया तो इमीडिएट मैनेजमेंट उसको क्या होगा कि उस टूथ को रिप्लेस करके आप अपनी जगह पे दोबारा उसको ले आए और उसको उस जगह पे हील करने दें, ओरिजिनल पोजीशन पे ले ले जाकर उसको हील करने दें। क्विकली हम चलते हैं, 10 मिनट में उसे क्लोज करते हैं, वरना वो ये वीडियो को देखेगा नहीं। अगर बहुत ज्यादा लंबी हो गई ना वीडियो तो उसे कोई देखेगा नहीं। तो आगे चलते हैं कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस कैसे करते हैं। इसमें लिखा बहुत कुछ है, काम की सिर्फ दो चार बातें। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस जो है वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितने इसमें जीन्स इन्वॉल्व है और कितने इसमें इन्वायरमेंटल इन्वॉल्व है, ये हम पता कर सकते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स के साथ। एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं मोनोजाइगट। मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या होता है कि एक स्पर्म और एक एग के साथ एक जाइगोट बना और वो जाइगोट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब वो जो दो बच्चे डेवलप होंगे वो टोटली आइडेंटिकल होंगे, सेम शक्ल सेम जेनेटिक मेकअप। Got it? जी ठीक है, अब what do you expect कि उन same identicals में जितने dento alveolar features होंगे या जितने भी features आपको मिलेंगे, अगर वो feature totally genetically determined है तो वो दोनों के बिल्कुल एक जैसे होंगे। और अगर genetic involvement उसमें ज्यादा नहीं है, environmental effect उसके ज्यादा हैं, तो इनमें जितनी भी variation आ रही है इनके features में एनवायरमेंटल होगी। वो एनवायरमेंटल होगी। मैं इस चीज को थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के साइज ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर है, ठीक है ना, तो अगर दोनों आइडेंटिकल ट्विंस में वो साइज ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर बिल्कुल 100% एक जैसा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ये चीज जेनेटिकली डिटरमिंड है और बिल्कुल एक जैसा है। अगर तो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस में साइज ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर बिल्कुल एक जैसे नहीं है, एक का बहुत बड़ा है और एक का बहुत छोटा है, तो पहली चीज मेरे माइंड में यह आएगी कि हर चीज तो इनके जेनेटिक मेकअप तो इनका टोटल 100% सेम है, आइडेंटिकल ट्विन्स है ना, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज मोर ऑफ अ एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल यू गॉट इट? ठीक जी है, सर, समझ आ इज गया। दिस क्लियर? यस सर, ठीक है, आगे चलते हैं। यस दिस जी, पर्टिकुलर आगे ट्रेट बढ़ो।
दिस पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड हेरिटेबिलिटी. हेरिटेबिलिटी का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको गूगल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा होगा. सिंपल चीज ये है कि किसी भी फिनोटिपिकल वेरिएशन में, फिनोटिपिकल भी हटा देते हैं, सिंपल वर्ड करते हैं, कि किसी भी करेक्टर में या किसी भी फीचर में कितना पोर्शन या कितनी इन्वॉल्वमेंट उसके जेनेटिक्स की है, दिस इज कॉल्ड हेरिटेबिलिटी. ठीक है, और कितना इन्वॉल्वमेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर की है, ठीक है, मतलब कि एम आई क्लियर टू यू? जी हाँ, सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर समझ है। आ गया ना आपको मेरी बात. कि एक मेरा फीचर जैसे बनता है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का Class 3 है ड्यू टू वेरी लार्ज मैंडिबल. अब इस लार्ज मैंडिबल होने में कितना रोल उसके जीन्स का है, कितने परसेंट रोल उसके जीन्स का है, और कितने परसेंट रोल एनवायरमेंट का है, ठीक है, कितने परसेंट रोल जीन्स का है, दिस इज कॉल्ड हेरिटेबिलिटी. ठीक है, हेरिटेबिलिटी में जेनेटिक मेकअप में यही बात है कि जो साइज ऑफ द जॉ है वो जेनेटिकली डिटरमिन हो रहा है, स्पेशली Class 3 पेशेंट में. इसके अलावा साइज ऑफ द टूथ, साइज ऑफ द जॉ, ये जेनेटिकली डिटरमिन हो रहे हैं. और अपर और लोअर टीथ की जो प्रोपोर्शन है या वो साइजेस हैं, वो जेनेटिकली डिटरमिन हो रहे हैं. मैं दो तीन बातें बताई हैं कि साइज ऑफ द जॉ, शेप और साइज ऑफ द टीथ, अपर और लोअर टीथ की प्रोपोर्शंस, ये सारे जेनेटिकली डिटरमिन हो रहे थे. और इसके अंदर ऐसी बकवास ही लिखी हुई, कुछ ऐसे खास काम की चीज नहीं जो आपके लिए काम की हो. अच्छा, यूनाइटेड स्टेट को कहते हैं कि इससे जेनेटिक मेल्टिंग पॉइंट. क्यों जेनेटिक मेल्टिंग पॉइंट है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन या कि डिफरेंट रेसेस के लोग आके मिले, इनको शादियां हुई, उनके जो बच्चे हुए वो मल्टी रेसेस हैं, क्योंकि डिफरेंट रेसेस आपस में आके मिल रही हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जेनेटिक मेल्टिंग पॉइंट. एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, जी जी क्योंकि सर, डिफरेंट जीन्स आपस में, तो यहाँ पर डिफरेंट आपको वेरिएशन मिलना शुरू हुई और उसके ऊपर हो रहा था काम. बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. एकेंड्रोप्लेजिया हमने ग्रुप में पहले डिस्कस किया हुआ था कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 की वजह से ये बन रहा होता है. इट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मिड फेशियल डिप्रेशन आपको मिल रहा है, कि उसमें कार्टिलेज की डेवलपमेंट इम्पेयर्ड होती है, और कार्टिलेज की डेवलपमेंट इम्पेयर्ड होने की वजह से शॉर्ट लिम्स और क्रेनियल बेस जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से स्फीनो ऑक्सिपिटल सिंकोइड्रोसिस वुड बी इम्पेयर्ड, और मैक्सिला वुड नॉट बी ट्रांसलेटेड फॉरवर्ड टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, दैट वुड लीड टू अ मिड फेशियल डेफिशिएंसी. माय पॉइंट इज दिस कि एकेंड्रोप्लेजिया इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम व्हिच इज कॉज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2. मेरे ख्याल से ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, नाम नहीं लिखा हुआ. तो जिसकी वजह से आपके कार्टिलेज की डेवलपमेंट इम्पेयर्ड होती है, एंड दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द मैलक्लूजन. जैसे कि ये फेस में है, इस फेस में आप देख सकते हैं कि इसका मिड फेस डिप्रेस है, एंड इसकी कॉज क्या है कि जेनेटिक इसकी कॉज है, सिंपल. बाकी क्या है कि टूथ साइज, जॉ साइज, जॉ प्रोपोर्शंस जो है वो अमेरिका में आके वो मेल्टिंग पॉइंट आया, जहां पर सारे जीन्स आपको उसमें मिलना शुरू हो गए, तो वो चेंज या वेरिएशन इसमें आना शुरू हो गए. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है. और वन ऑफ द वे टू इन्फ्लुएंस या डिटेक्ट द हेरिटेबिलिटी जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, कि हम उसके जो है वो बहन भाइयों, फादर, सबलिंग्स, कजन्स और ये वगैरह देखेंगे, जिससे कि हमें आइडिया होगा कि वो हेरिटेबल प्रॉब्लम है. अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेंटल इटियोलॉजीज कॉज बाय द जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इज Class 3, शेप ऑफ द टूथ, साइज ऑफ द टूथ. उसके बाद आ जाता है लॉन्ग फेस. लॉन्ग फेस जो है वो भी एक रन इज रनिंग बिटवीन द फैमिलीज, एंड आई हैव पर्सनली विटनेस दिस कि पूरी एक पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, उसके कजन्स आ रहे हैं, उसके बहन भाई आ रहे हैं, वो सारे के सारे लॉन्ग फेस के साथ आ रहे होते हैं. जस्ट गिव यू सम आइडिया कि जी वो दिस इज मोर ऑफ अ जेनेटिक प्रॉब्लम. और इफ आई से सम टेक्निकली, देन आई वुड से कि इट हैज मोर हेरिटेबिलिटी. हेरिटेबिलिटी हेरिटेबिलिटी का हमने क्या कंसेप्ट लिया था माहीन, कि जीन्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा है, जेनेटिक मेपल मेकअप की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा है उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलप होने में, दैट्स कॉल्ड हेरिटेबिलिटी. जैसे कि ये टेक्निकल करके लिखा है, द हेरिटेबिलिटी ऑफ द मेंडिबल प्रोग्नोसिस वाज एस्टिमेटेड बाय 0.316. 0.316 के 1 इज द टोटल, तो 0.3% या 30% जो है वो इसकी वजह से मेंडिबल प्रोग्नोसिस आ रहा है. एनीवेज, 3-4 मिनट में मैं खत्म करता हूं, इसको ज्यादा लंबा नहीं करता ताकि लोग इसको ना वीडियो को देखें. एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का मतलब यह है कि द टीथ शुड बी इन द बैलेंस बिटवीन द बकल और लेबियल साइड वर्सेस द लिंगुअल साइड. यानी कि उसके बकल या लेबियल साइड पर जो उसके प्रेशर्स हैं और जो उसके लिंगुअल साइड पर जो प्रेशर्स हैं,
उनके दरमियान ही टीथ डेवलप कर रहे होते हैं। ये कंसेप्ट आपने प्रोस्टेटिक में बहुत डिटेल में देखा होगा कि इक्विलिब्रियम जोन एक होगा, उस जोन में टीथ ने बेसिकली डेवलप होना है। अगर इसमें वेरिएशन आती है किसी वजह से, जस्ट लाइक कि कोई जॉ या स्किन जो है ये आपका स्कारिंग आ गई किसी वजह से, ठीक है, जैसे क्लेफ्ट में आपके सर्जरी के बाद स्कारिंग आती है, तो यहाँ क्या हुआ कि इधर सॉफ्ट टिश्यू प्रेशर चेंज कैसे हो गया कि बकल साइड पे या लेबियल साइड पे प्रेशर ज्यादा हो गया, लिंगुअल साइड पे कम हो गया, तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जोन डिफरेंट हो गया तो वो उसको अंदर की तरफ पुश करना शुरू करेगा, अंदर की तरफ पुश करेगा तो मैलोक्लूजन कॉज हो जाएगी, सिंपल, दैट्स इट। इस डिजीज में जी सर, देखें कि ये एक वायरल डिजीज हुई जिसकी वजह से इसके चीक सारे इम्पेयर्ड हो गए। अब क्या हुआ कि इसके, अगर आप देखें कि बकल साइड और लेबियल साइड पे प्रेशर नहीं है, लिंगुअल साइड पे प्रेशर है, तो टीथ सारे के सारे जो है वो एबनॉर्मल प्रेशर की वजह से सारे टीथ बाहर की तरफ आ गए। इनके बाहर बाहर आने की वजह से क्या हुआ कि सिंपली वी वुड से कि द कॉज ऑफ द मैलोक्लूजन इज द चेंज इन द प्रेशर। मूविंग ऑन, हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है कि लाइट सस्टेन प्रेशर जो है वो लिप चीक और टंग की वजह से हो रहा है, लाइट एंड सस्टेन प्रेशर। हमें अक्यूट प्रेशर मैटर नहीं करता, फॉर एग्जांपल आप कितने जोर से बाइट करते हैं या सोते हुए आप एक टेढ़ा करके सो रहे हैं या मुंह करके, वो तो आप आधे घंटे या पौने घंटे के लिए है। हमें मैटर करता है कि जब सेकेंडरी मैसेंजेस डेवलप होना शुरू करते हैं, जो तब करते हैं जब 6 घंटे से ज्यादा आपको एक सस्टेन प्रेशर हो। ऑर्थोडॉन्टिक टूथ मूवमेंट कब स्टार्ट होती है या कोई हैबिट या कोई चीज प्रॉब्लम कब कर सकती है, जब मोर देन 6 आवर्स तक के लिए उसका प्रेशर मेंटेन रहे। तो लाइट सस्टेन प्रेशर फ्रॉम द लीक लिप चीक्स एंड टंग की वजह से जो है वो एबनॉर्मेलिटीज आएगी। मेरे ख्याल से इसको क्लोज करते हैं अब, ताकि ना वीडियो इसका साइज ना बढ़े और लोग इसको देख सकें। तो कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा या फिर हम कल बात करते हैं, जी सर, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक इट शॉर्ट जी ताकि जो है ना लोग इसको देखने में हेजिटेट ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच सर। थैंक यू।